होता है सेगमेंट फ्रेगमेंट टुकड़ा, और इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, सेगमेंट्स को जोड़ना. सो दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं उसको. यूजेज आपको पता है, ठीक है. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का एरिया निकालना है, इरेगुलर बॉडीज का एरिया निकालना है. तो इंटीग्रेशन इज द टूल व्हिच हेल्प्स अस टू फाइंड द एरियाज ऑफ दोज इरेगुलर बॉडीज. इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम, एक बार देख लेना एक्सरसाइज से पहले, ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा तो हो जाएगा. 7.1 के क्वेश्चंस किए थे हमने, कुछ क्वेश्चंस किए थे 7.1 का, 12 तक किया था हमने, और दो तीन क्वेश्चन 7.1 का करेंगे, देन 7.2. एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो शुरू होता है वो 7.2 से शुरू होता है. टोटल 12 एक्सरसाइजेज हैं, तो आप ऐसे समझो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द गेम. सो गेम बिगिंस नाउ एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल इंटीग्रेशन का. सेकेंड लेवल से एक्चुअल में शुरू होगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम करेंगे एक सेकंड, मेरे को बुक निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है. आप लोग निकाल लीजिए 12.1. वॉल्यूम 2 में होगा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है, ठीक है. ट्वेल्व किया था, नाउ वील बी डूइंग क्वेश्चन नंबर, कौन सा बताओ, बोलो, आप लोग चूज कर सकते हो, चाहो तो 18 बता रहा हूँ, 18, 19, 20, ये तीनों पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है. सो दैट एनफ डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स है वो मिल जाएंगी आप. क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 7.1. टुडे इज 17 December 21. क्वेश्चन नंबर 18, sec x एंड sec x प्लस 10x dx, ठीक है. तो देखो सबसे पहला काम जो दिख रहा है वो ये है कि इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो sec x को. सो दिस विल बी sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx, ठीक है. इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x 10x dx, ठीक है. इस तरीके से sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x. अगर आपको नहीं पता तो आप उल्टा सोचो कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x 10x का डेरिवेटिव होता है. देयरफॉर
इसका इंटीग्रेशन 10x होगा, प्लस sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x, देयरफॉर इसका इंटीग्रल होगा sec x प्लस c। ये c क्या है, c जो है कोफिशियंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या है, कोफिशियंट ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन, या इसको इंटीग्रल को इफिशियंट भी कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रल कोफिशियंट भी कहते हैं। ये सी हर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद यूज होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये इस तरह से कुछ भी है, यू वी डी एक्स है, ये जो है अगर लिमिट नहीं है तो इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और अगर इस तरह से लिमिट दिया हुआ है तो इसको हम डिफिनिट कहते हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, और ये आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, नहीं समझ में आए तो पूछना है, एंड इट गोज विदाउट सेइंग का मतलब हुआ ये कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार कि पूछना है, आपको सीखना है तो पूछना है, सिंपल है। तो sec स्क्वायर x को लिख लो आप 1/cos² x, और इसको लिख लो 1/sin² x dx। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा, sin² x/dx, तो इसका मतलब 10² x dx हो गया। 10² x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है आपके पास, तो इसको आइडेंटिटी में sec² x - 1 dx लिख लो, फिर अलग अलग कर लो, sec² x dx - 1 dx। सो sec² x का इंटीग्रल होता है 10x - x + c, ये आपका आंसर हुआ। तक साहब क्या नहीं आया समझ में बताओ, बोलो बेटे क्या नहीं आया समझ में, यस आ गया समझ में, अनुष्का, यस सर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, जिसके ऑडियो में प्रॉब्लम है, ऑडियो आप सेकंड टर्म में तो दूर कर लो, ये ऑडियो की प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन को बदनाम करने वाली है ये ऑडियो की प्रॉब्लम। बोलो बेटे। सर एक बार आप दोबारा से वो क्वेश्चन दिखा दीजिए, मैं नोट कर रही थी, बस सर एक मिनट। सर हमने इसमें sec square x और माइनस वन को हमने कॉमन लेके उसमें dx dx कर दिया है ना। हाँ, ओके सर, ओके इंटीग्रल इसको कहते हैं, इंटीग्रल को अलग अलग करना, ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 2 - 3 sin x / cos² x dx, 2 / cos² x dx - 3 sin x / cos x (1/cos x dx। तो सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, है ना, 2 / cos² x - 3 sin x / cos² x को sin x / cos x (1/cos x) लिख सकते हैं, और फर्दर इसको लिख लो 1/cos² x होता है sec² x, तो ये हो गया आपका sec² x dx इंटीग्रल, -3 1/cos होता है आपका sec x, और sin / cos 10x,
sec square tan x का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रल होगा tan x, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है तक साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा ऑडियो वाली प्रॉब्लम दूर कर लो, उसको आप कनेक्टेड रहते हो एकदम, तो बिल्कुल सिंसियर होके कनेक्टेड रहो, अच्छे से करो। 2 महीने हैं, 2 महीने में अगर मिस कर जाओगे आप तो सिंसियर नहीं रहोगे, मुश्किल होगा संभालना, इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ रसगुल्ला दैट यू विल गेट इट into your mouth and that will melt into your mouth. Sir, एक बार दोबारा दिखा दीजिए question. Integration is something where you need to invest your time, invest your effort to understand it properly. If you are connected, respond me back. And through this recording, I would like to give the message to all of you students जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, please be regular, क्योंकि फिर संभालना, फिर आप मेरे पास आओगे और या parents आपके कहेंगे सर इसका ये रह छूट गया या ये रह गया, वीक रह गया, इसको फिर से करा दो। बेटा मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, it will not be possible, क्योंकि 2 महीने आपके पास हैं, उसी में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करा करके फिर उसका बार बार रिवीजन करा करके जितना बेहतर करा सको। सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, रेगुलर रहो नहीं तो दिक्कत हो सकती है, अगर सीबीएसई ने टाइम पर एग्जाम ले लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, उससे पहले जो मेथड फॉर इंटीग्रेशन है इसको समझ लेते हैं। जो पहला था आपका मेथड वो था मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पहला एक्सरसाइज किया, बट वो जनरल मेथड था, जनरल था ऑब्जर्व करके जो इंटीग्रेशन, मतलब बेसिक समझ लो, बिल्कुल बेसिक। यहां से 3 मेथड बता रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या है, कैसे यूज होता है, ये सारा चीज हम सीखेंगे 1 by 1, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूले जिन भी बच्चों को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है इंटीग्रेशन के, वो जरूर याद करना, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं आगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे नए नए रूल्स और नए नए स्टैंडर्ड रिजल्ट जुड़ते जाएंगे, तो फिर पीछे ही नहीं हुआ तो आगे संभालना तो मुश्किल होगा, इस बात को ध्यान रखना। 7.2 से इंटीग्रेशन चीज क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम 7.2 से अप्लाई करने वाले पूरी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ कि पूरी इंटीग्रेशन द होल इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट इज दैट कि क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे पूरी इंटीग्रेशन। मेरी बात को एकदम ध्यान से 2 बार 3 बार रिपीट कर लो, आप पूरी इंटीग्रेशन आप देख लोगे तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि उसका डिफरेंशिएशन, हाँ मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे कि जिसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स
डीएक्स के मल्टीपल्स में, प्रोडक्ट में। यही आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेशन में सोचना है कि क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे या क्या आप चेंजेज करोगे, सो दैट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके जो न्यूमरेटर है डीएक्स है उसके साथ मल्टीपल में प्रोडक्ट में आए। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो यहां सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए, ठीक है, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से 1 का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, दिस विल बी dt बाय dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x dx इक्वल्स टू dt। ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस को यहीं पर समझ लो, क्योंकि आगे से मैं सीधा क्या करूंगा, 2x dx लिखूंगा इक्वल्स टू dt लिखूंगा, ठीक है। तो ये 2x dx आप देख रहे हो कि ऊपर में ऑलरेडी है, तो सीधा आप लिखोगे I इक्वल्स टू 2x dx की जगह, देखो ये 2x dx की जगह, ध्यान से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, कनेक्टेड रहोगे, और अगर सिर्फ कनेक्ट करने के बाद हाय हेलो करोगे, बातचीत होगी, इसके बाद आपका ऑडियो खराब हो जाएगा तो फिर नुकसान हो सकता है, बच्चे हो नहीं आप लोग, और फिर पेरेंट्स को लगने लगता है कि ये ऑनलाइन तो बेकार चीज है, बच्चा बर्बाद होगा। ऑनलाइन का बेनिफिट अगर लोगे आप तो ऑफलाइन से कम 10 गुना अच्छा होगा ये, क्योंकि तो इसमें सारी चीजें आपको रिव्यू रिटेक करने का मौका मिलता है। लॉग टी, टी क्या है, टी आपने जो लिया था सब्स्टिट्यूट किया था उसकी जगह रख दो, तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसा कि कहा था कि इनडिफिनिट इंटीग्रल में प्लस कांस्टेंट लिखना है आपको, तो ये आपका आंसर हुआ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो सोचना इस तरीके से है कि क्या सब्स्टिट्यूट करे कि उसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ हो, डीएक्स के प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप टी लेते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx। देखो यहाँ से ना इंटीग्रल को बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को एडवांस में मेंटल वर्क करने की आदत नहीं है। अगर आप एक स्टेप मन में सोच लोगे तो इंटीग्रल आपका बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। वो क्या, तो एक स्टेप सिर्फ आप एडवांस में मन में सोच, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ तो आसान था इसलिए आप करके देख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया, लेकिन जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वहां पर आपको अलग अलग हर स्टेप पे तो चेक नहीं करोगे, एक बार चेक करोगे फिर काटोगे नहीं आया, तो फिर चेक करोगे फिर वो नहीं आया तो काटोगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप मन में सोचोगे कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है उसका, और फिर देखोगे कि अगर डी एक्स के प्रोडक्ट में आ रहा है देन आप आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज कुछ और सोचोगे। ठीक है सर, तो क्वेश्चन बोलो बेटा। सर ये जो 2x हमें दे रखा है इसका x स्क्वायर भी तो हो सकता है ना, 2x का x स्क्वायर हो सकता है, मतलब सर 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर नहीं हो सकता, तो 2x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सिर्फ ये पूरा है ना, ये पूरा है ना, तो अलग अलग होल लेके ही करना होता है। देखो अगर अगर प्लस या माइनस में है तभी अलग टर्म्स होते हैं ना, अगर प्रोडक्ट या डिवीजन में होते हैं तो वो तो एक ही टर्म है ना। अगर मान लो ये है 3x क्यूब
वाईफाई, तो ये अलग अलग हो सकता है क्या? इसको अलग कर नो सकते हो? सर, नहीं कर सकते। नो सर। जब इसको अलग नहीं कर सकते हो तो ये कैसे अलग होगा? प्रोडक्ट में है, अलग नहीं हो ओके सकता। सर, बट की ओके सर। पास्ट में क्वेश्चन नंबर टू, आई इक्वल्स टू लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटीग्रल। तो यहां पर देखो, यहां पर सोच के बताओ क्या लेंगे हम, क्या सब्स्टिट्यूट करें? डी एक्स है, यहां पर लॉग एक्स को अगर आप पी ले लेते हो तो वन बाय एक्स डी एक्स डी टी होगा। ठीक है, तो वन बाय एक्स डी एक्स डी टी हो गया आपका। तो लॉग एक्स को टी ले लिया और वन बाय एक्स डी एक्स डी टी है, तो टी स्क्वायर डी टी हो गया इंटीग्रल। तो दिस कैन बी रिटन एज टी क्यू अपॉन थ्री, टी आपने लॉग एक्स लिया है। मैथमेटिक्स का रूल है कि इफ यू एज्यूम समथिंग आइदर यू हैव टू डिटरमाइन और यू हैव टू रिप्लेस बिफोर द आंसर। That is why mathematics is so close to science. Log x whole cube upon 3 plus c. आगे के क्वेश्चंस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये मैं सबने बताऊंगा, लेकिन जो डिफिकल्ट रहेगा उसको करके दिखाऊंगा, जो डिफिकल्ट नहीं रहेगा सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें आपको क्या लेना चाहिए। तो थर्ड में आपको x कॉमन लेना चाहिए, x कॉमन लोगे वन प्लस लॉग एक्स, और इसके बाद पुट वन प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। फोर्थ, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, अगर ऐसा करोगे माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा। ठीक है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट करके आपका आंसर आएगा। बता दो, बता देता हूं, आई इक्वल्स टू साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स। बोलो बेटे। सर ये जो आई इक्वल्स टू लिख रहे हैं इसमें आई क्या है? इंटीग्रल। ओके सर, ओके, आई फॉर इंटीग्रेशन। ओके सर, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो नेगेटिव साइन को उधर भेज दो, साइन एक्स डी एक्स आप देख रहे हो क्यों है ऊपर में, डी एक्स के प्रोडक्ट में है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो ये आपका, और ये साइन कॉस एक्स को टी लिया आपने, तो साइन टी और माइनस डी टी, माइनस डी टी, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। तो दिस विल बी माइनस साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस होता है, सो दिस विल बी कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव है आपका साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए होता है डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये dx equals to dt कैसे होता है, पहले लिखोगे dt by dx और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होता है, या ऐसा समझिए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स करने से ऐसा आता है। तो cos
एक्स प्लस बी डीएक्स हो गया आपका डीटी बाय ए, डीटी बाय ए। तो आई इक्वल्स टू वन अपॉन ए और ये आपका डीटी है और साइन ए एक्स प्लस बी को आपने टी लिया है, तो टी डीटी। सो वन बाय ए टी स्क्वायर बाय टू, सो वन बाय टू ए, और टी की वैल्यू आपका साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। जो बच्चे मिस कर रहे हो साथ में मैसेज, मैं बार बार डिलीवर कर रहा हूँ बेटा, इस वजह से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी मेरे पास, इंटीग्रेशन नहीं समझेगा फिर आप बार बार कहोगे कि सर पीछे करा दो पीछे करा दो, तो सिलेबस में दिक्कत आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत आसान टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इट विल बिकम सो डिफिकल्ट कि आप इसको फिर बाद में संभाल नहीं पाओगे। 12 एक्सरसाइजेज है। सो अगर ये तो एक तो सुनोगे नहीं, जब क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हो तो ये सुनोगे लेक्चर कहाँ से, आप बरस सुनोगे नहीं। अगर सुनोगे तो ये मैसेज पहुंच जाएगा आप तक कि बेटा रेगुलर रहो, मैं फोन करके जगाऊंगा, ये जगाने का काम नहीं है, मैं आपको पढ़ाने की फीस लेता हूँ आपके पेरेंट्स से, तो ये एंश्योर जरूर करूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि बोर्ड आप दोबारा नहीं दोगे, बोर्ड जो है आप अपनी लाइफ में एक बार ही दोगे, और इतने तो होशियार आप लोग हो ही कि एक ही बार दोगे, दो बार देने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर सब में तो आपने टी लिया, इसमें टी स्क्वायर क्यों ले लिया? तो जहां पर रूट रहता है ना बेटा, वहां पर अगर आप टी स्क्वायर ले लेते हो तो उसका बेनिफिट ये होगा ना कि रूट का चक्कर नहीं रहेगा, रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, तो उससे आपको समझ में बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्स रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पुट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ठीक है, सो यहां से आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आपका वन का जीरो हो गया, और टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फोर एक्स, और टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाय डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो फोर एक्स फोर तो है नहीं, एक्स डी एक्स आप देख रहे हो है, तो एक्स डी एक्स को रखो, फोर को दूसरी तरफ भेज दो, डी टी बाई फोर हो गया। ठीक है, तो ये और रूट ओवर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, इसको टू ले लो तो आसान रहेगा। ये कहा मैंने कि जहां पर रूट है वहां पर टू ले लोगे तो ये टू टी डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टू टी डी टी ले लो। टू टी डी टी, तो यहां से आपका टू टी डी टी बाय फोर, तो टी डी टी बाय टू हो गया। तो एक्स डी एक्स तो टी डी टी बाय टू हो गया, और वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर ले लिया, रूट है तो सिर्फ टी बचा, इंटू एक्स डी एक्स की वैल्यू टी डी टी बाय टू, इंटीग्रल इक्वेशन। हाफ को बाहर ले लो, टी स्क्वायर डी टी हाफ टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये आंसर आया। टी क्यूब, देखो टी क्यूब कैसे निकालोगे तो यस सर, ये टी क्यूब कैसे बन गया टी स्क्वायर डी टी? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव
एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इंटीग्रल में क्या होता है, एक पावर इंक्रीज होता है और फिर उसी से डिवाइड कर लेते। ओके सर, ओके ओके सर, ओके समझ गई। हाँ यहाँ पर लेकिन समझना है कि टी क्या होगा, टी होगा रूट है ना वन बाय टू पावर, और टी क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री है तो वन अपॉन सिक्स ले लो, टू इंटू थ्री वन अपॉन सिक्स प्लस थ्री, ये आंसर हुआ। ओके सर, मतलब हमें सर टी के टर्म्स में नहीं लेके आनी है वैल्यू, हमें जो क्वेश्चन में टर्म्स रखे उसी टर्म में लेके आनी है। हाँ उसी टर्म में। ओके सर, ओके। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने शुरू में ही कहा था कि दो ही काम सिर्फ अपनी तरफ से करते हैं, वन मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जीरो ऐड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में नहीं है तो वो अगर आप ले रहे हैं तो उसकी या तो वैल्यू निकाल लेंगे अगर इवेल्युएट करना है तो, या नहीं तो आप जो आपने अज्यूम किया उसको रिप्लेस करोगे उसी टर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एट बताया, एक और कोई बता देता हूँ, टेंथ फिर ट्वेल्थ। वन अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, रूट एक्स कॉमन, रूट एक्स माइनस वन, तो इंटीग्रल आपका है वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन डीएक्स। अब यहां पर आपका सोचना कि कैसे क्या लें जो उसका डेरिवेटिव डीएक्स के प्रोडक्ट में हो, तो ऊपर में तो डीएक्स के प्रोडक्ट में वन है, वन तो एक्स का होता है लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे देखो, पुट रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंसिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, वन बाय रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी। अब देखो ये वन बाय रूट एक्स डी एक्स तो है आपका, ये वन बाय रूट एक्स डी एक्स है आपके पास, तो वन बाय रूट एक्स डी एक्स है आपके पास, वन बाय रूट एक्स डी एक्स है, तो वन बाय रूट एक्स डी एक्स को एक साथ आप रख लो और वन बाय रूट एक्स माइनस वन एक साथ है, ठीक है, ये इंटीग्रल है आपका। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका, वन बाय रूट एक्स, रूट एक्स माइनस वन को आपने टी लिया हुआ है वन बाय टी, और वन बाय रूट एक्स डी एक्स क्या है आपका टू डी टी, टू बाहर निकाल लो डी टी बाय टी, और वन बाय टी का डेरिवेटिव लॉग टी होता है तो यहां से टू लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका आंसर। सर ये टू इंटीग्रेशन टू डी टी बाय डी टू लॉग टी कैसे हो गया, वन बाय टी का इंटीग्रल क्या होता है वन बाय टी डी टी का लॉग टी, सर वन बाय है ना, तो वही लिखा है डी टी बाय टी मतलब वन बाय टी डी टी, वही एक ही बात है ना, वन बाय एक्स log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, ये यस सर 1 by x का वो इंटीग्रेशन तो log x हो गया लेकिन ये dt कैसे चेंज हुआ, अच्छा dt कैसे चेंज हुआ, हां ये 1 by t नहीं होता सी 1 by t dt होता है ना, इसका सबके साथ dx है, जहां भी इंटीग्रल है उसके साथ x का फंक्शन है तो dx है, t का फंक्शन है तो उसके साथ dt है, ठीक है, इंटीग्रल उसके साथ ही होता है, क्या बताया था, समझ गई सर, जोड़ करके बनता है,
छोटे छोटे टुकड़ों को जो जो डी टी क्या है छोटा टुकड़ा है, यही समझ लो। तो इंटीग्रेट मतलब जोड़ ओके रहे हैं तो उसके साथ ही होगा, उसके बगैर थोड़ी होगा। यस सर। ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाय थ्री, वन बाय थ्री एंड एक्स की पावर फाइव डी एक्स। ये इंटीग्रेशन साइन जैसे ही आएगा तो इधर डीएक्स भी होगा। एक्स क्यूब माइनस वन को टी ले लो, तो यहां से थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स डी टी हो गया आपका। एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई थ्री, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई थ्री। इसको अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा है ना। तो फिर कैसे बनाओगे इसको, एक्स क्यूब माइनस वन इंटू टू दी पावर वन बाय थ्री इंटू, एक काम और कर सकते हो इसको टी क्यू ले सकते हो तो और आसान हो जाता है, नहीं भी लोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर टी क्यूब ले लेते हो तो वन बाय थ्री पावर से कैंसिल हो जाता तो काम आसान होता। तो टी क्यूब ले लो, टी क्यूब ले लो। सर बोलो बेटा। सर वो लाइट, सर वो लाइट चली गई थी तो नेट बंद हो गया था सर, अभी आया। लेकिन ज्वाइन तो बहुत बड़ी देर तक थे आप, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे कुछ भी। हाँ बेटा ज्वाइन तो थे। देखो बेटा एक चीज मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी आवाज आ रही है आप, ये सेकेंड टर्म में ऑडियो वाली प्रॉब्लम दूर कर लेंगे। जी सर। आपके पास टाइम कम है, 2 महीने, सिलेबस बड़ा है, छोटा नहीं है, टॉपिक्स डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, जो आपने फर्स्ट टर्म में किए उसके कंपैरिजन में टॉपिक सेकंड टर्म से डिफिकल्ट है। जी सर। इंटीग्रेशन जो है वो 12 एक्सरसाइज है और यहाँ 7.2 में ही आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी। अभी गेम का सेकंड लेवल ही है, 12 लेवल तक जाना है, तो कनेक्टेड रहिएगा, ऑडियो वाली प्रॉब्लम दूर कर लो अच्छे से। मैंने ये रिकॉर्डिंग आप लोगों का कर रखा है, दोबारा से इसको देखना, रिकॉर्डिंग में भी सेम मैसेज डिलीवर किया है आपको कि कनेक्टेड रहिए, रेगुलर रहिए, कोई दिक्कत हो पूछो, क्योंकि दोबारा अगर आप कहोगे बार बार एक टॉपिक को तो मुश्किल होगी। इसलिए नहीं कि मैं रूड हूँ, इसलिए कि फिर अगर उधर ध्यान दूंगा तो फिर सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भगा तो नहीं सकते मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स थ्योरी तो है नहीं कि आप भगा दोगे, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बताना पड़ेगा बच्चे को। अब इसमें मैं 4 क्वेश्चन भी बता सकता था, बट लगभग हर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लगभग हर अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज रेगुलर रहना और कनेक्टेड रहिए, ऑडियो वाली प्रॉब्लम नहीं, रिस्पॉन्ड करते रहिए। ठीक है सर। एक्स क्यूब माइनस वन को टी क्यूब ले लिया हमने, इसका डेरिवेटिव थ्री, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, पावर को पीछे लगा लेते हैं डेरिवेटिव में और पावर एक्स की जो पावर होती है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, डेरिवेटिव तो पहले से पता है आपको। ये भी आपका थ्री टी स्क्वायर डी टी, थ्री दोनों तरफ से कैंसिल कर लो तो टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है,
dx के साथ क्या है, x टू दी पावर 5 है मल्टीप्लीकेशन, तो x स्क्वायर dx तो है नहीं, तो फिर बनाना पड़ेगा आपको इसको, x क्यूब ले लो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हो आप, पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, बेसिस अगर सेम हो तो एक्स 5 को लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर 5 को लिख सकते हो, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से बेटा ये अब इंटीग्रल हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने टी क्यूब लिया हुआ है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को टी क्यूब अगर लेते हो और उसकी पावर 1/3 लेते हो तो 3 3 कैंसिल, टी रह जाता है। एक्स क्यूब को यहाँ से एक्स क्यूब को निकाल लो तो ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस 1, तो टी क्यूब प्लस 1 लिख लो, और एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप टी स्क्वायर डी टी लिख लो। ठीक है, तो अब इसको फिर से रीअरेंज करके लिखो, ये 3 कैंसिल हो गया था तो टी रह गया था आपका टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस 1 डी टी। फिर से इसको लिख लो, टी टू दी पावर 6 हो जाएगा प्लस टी क्यूब डी टी, डी टी दोनों के साथ ले लो, इंटीग्रल अलग अलग कर लो, तो टी टू दी पावर 7/7 प्लस टी टू दी पावर 4/4। इंटीग्रल में अल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स टू दी पावर एन का होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो टी टू दी पावर 6 का इंटीग्रल होता है टी टू दी पावर 7/7, एक पावर इंक्रीज करो और फिर उसी से डिवाइड करो। तो टी टू दी पावर 7, टी आपने जो लिया है, क्या लिया है आपने, टी टी लिया है एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 7/3। आवाज पार में कुछ फंक्शन हो रहा है तो वो होते रहते हैं इंडिया में, तो आवाज थोड़ा सा, टी 4/4, टी है आपका एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 4/3 हो जाएगा और ये 4 प्लस 6। दोबारा से क्वेश्चन जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, अगर अभी कर लोगे इनिशियल लेवल पर बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन में, बेस्ट तरीके से बताऊंगा। कैलकुलस मेरा फोर्टे है, कैलकुलस बेस्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का, मतलब कोई भी जो एक्सपर्टीज होता है उसके सारे पार्ट्स इक्वल नहीं होते, कैलकुलस मेरा मेन है, उसमें बहुत आसान तरीके से आपको सिखा सकता हूँ, बट सीखना आपको ये जो डिफिकल्ट है उसको बिल्कुल रसगुल्ला बना करके नहीं दिया जा सकता, उसको थोड़ा टेक्निकलिटीज रूल्स मेथड्स ट्रिक्स के थ्रू आसान बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, जब हम कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल तो यहाँ बताना ये भी जरूरी है कि आप अगर अलग मेथड लेते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल में तो आपके आंसर्स अलग आते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस केस में आप मुझे मेरे से कंफर्म करा लेंगे, चेक करा लेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, मैं जो बताऊंगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर्स आपके बैक साइड से मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं उसी मेथड से कोशिश करता हूँ बताने का। ठीक है, कभी अगर ना आए तो एक नोटिस में ला सकते हो, मैं चेक कर लूंगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर बैक साइड से मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे जो इनडिफिनिट इंटीग्रल है उसमें आंसर्स डिफर करते हैं अगर आप अलग अलग मेथड लेते हैं। जो साइंस के बच्चे हैं उनको पता होगा और जो नहीं पता है तो इस बात को समझ लें कि अलग मेथड से करने पर इनडिफिनिट में, डिफिनिट में नहीं, अलग आंसर्स आते हैं। तो क्या मतलब दो आंसर्स होते हैं? नहीं, दो आंसर्स नहीं होते, सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों सेम हो जाएंगे। लॉग एक्स
ले लो, पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, तो 1 बाय एक्स डी टी हो गया आपका। तो 1 बाय एक्स ऑलरेडी है आपके पास, 1 बाय एक्स dx, और लॉग एक्स आपने टी लिया हुआ है, तो 1 अपॉन t की पावर n dt। ठीक है, ये इंटीग्रल, तो t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। तो यहां से आपका t की पावर 1 माइनस m, t हमारा लॉग एक्स है, 1 माइनस m, 1 अपॉन 1 माइनस m प्लस c, दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं मैं, जहां नहीं समझ में आया पूछना, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी इसकी। e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो यहां पर देखो, इन एवरी ईच एंड एवरी केस ऑफ इंटीग्रेशन यू नीड टू थिंक ऑफ ओनली वन थिंग, वट एवर यू सब्स्टिट्यूट द डेरिवेटिव ऑफ दैट शुड बी इन प्रोडक्ट ऑफ dx। तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो तो 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है। तो ऑब्वियसली वही सब्स्टिट्यूट करना है, पुट 10 इनवर्स x इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव इसका निकालो, 1 अपॉन 1 प्लस x² dx इक्वल्स टू डी टी। तो ये आपका e टू दी पावर t डी टी हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस x² dx dt है, तो e टू दी पावर t dt। एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वही रहता है, तो ये हो गया e टू दी पावर 10 इनवर्स x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में सोच करके बताओ कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। बताने वाले को 10 रुपीज कैडबरी डेयरी मिल्क वर्थ 10, बताओ। तक्ष जी सर, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 19 में? dx तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे आप इसको, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग। तो इसका मतलब समझना है कि सब्स्टिट्यूट करना है, बट समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बनानी पड़ेगी, पड़ सकती है, ऐसा पॉसिबल। अगर डायरेक्ट नहीं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते तो आपको उसको इस तरह से डिराइव करना है कि आप सब्स्टिट्यूट कर पाओ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ई टू दी पावर एक्स। इफ यू डू सो देन इंटीग्रेशन बिकम्स ई टू दी पावर 2x अपॉन ई टू दी पावर एक्स, दैट विल बिकम ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स, दैट कम्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहां पर भी इस तरह से now you can substitute, put e to the power x e to the power minus x equals to t, differentiating e to the power x minus e to the power minus x dx equals to dt। ऊपर में ऑलरेडी है, तो
ये अब काम आसान हो गया, डी टी बाय टी विच इज लॉग टी, लॉग और टी की वैल्यू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 आज यहीं तक खत्म करेंगे, क्वेश्चन 20 तक। क्वेश्चन नंबर 20, आई इंटीग्रल इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x dx। तो यहां पर तो डायरेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर के टर्म में आ सकता है। तो पुट ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी। तो यहां से इसका डेरिवेटिव 2 ई टू दी पावर 2x माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। 2 को दूसरी तरफ भेज दो तो ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ओवर 2। तो देखो ऊपर में e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x ऑलरेडी है, तो इंटीग्रल इक्वल्स टू डी टी बाय 2 आ रहा है तो 1 बाय 2 बाहर ले लो, डी टी बाय टी। सो हाफ लॉग टी प्लस सी, दिस विल बी हाफ लॉग e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस सी and this will be the answer। ठीक है, दोबारा से गो थ्रू करना लेक्चर्स को, कोई डाउट आए प्रॉब्लम आए तो पूछना, ठीक है। yes, और दोबारा से क्वेश्चन जरूर करना, क्वेश्चन घर पर जरूर करना, घर पर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी, थोड़ी दिक्कत होगी करने में क्वेश्चन समझाने के बाद भी, तो थोड़ा आप हाथ पर मारोगे, दोबारा से देखोगे लेक्चर को, देखोगे पीछे एग्जांपल भी है हेल्प के लिए, तो एक बार समझ में आ गया पैटर्न क्या लेना है तो फिर होने लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।